आज एक जो नया अपडेट आया वो ये कि ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए तलब किया और इन अधिकारियों में दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू और पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी और पलामू डीएमओ आनंद कुमार शामिल हैं। इनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब तीन जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ की जा रही है। मामले में पूजा सिंगल के पति ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, मामले को लेकर उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो लगातार इस जांच के दायरे में बहुत सारे लोग आते चले जा रहे हैं और जांच की आंच लगातार दूर दूर तक पहुंच रही है। और इसी कड़ी में तीन जिलों के खनन अधिकारी दुमका, पलामू और साहिबगंज के जो माइनिंग अधिकारी हैं, जो खनन पदाधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इंतजार इसी बात का था क्योंकि इन इलाकों में बहुत सारे खनन पट्टे जो है वो दिए गए, औने पौने दाम में भी दिए गए और जो परमिशेबल लिमिट है उससे भी ज्यादा वहां पर खनन हो रहा है। तो ये और इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, मामला अब कहां तक पहुंचा है? इन खनन पदाधिकारियों से पूछताछ में क्या ईडी को कुछ सुराग हाथ लगे हैं? देखिए पंकज, जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है, तकरीबन 11 बजे से ही सभी लोग जो हैं वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके थे और लगातार तीनों से अब जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं खनन पट्टे में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरह के बातें सामने आ रही है कि पूजा सिंगल के कार्यकाल के दौरान कई चीजें जो हैं वो गड़बड़ियां देखने के लिए मिली थी, इसी की वजह से दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और सहित पलामू इन चार जो जिलों के डीएमओ हैं उनको समन जारी किया गया था, कुछ यहाँ पहुंचे हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो गड़बड़ियां हुई थी उनको लेकर के ईडी के पास जो साक्ष्य है उनको पूरी करने के लिए लगातार ईडी की जो टीम है वो इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि देर शाम तक जब पूछताछ करने के बाद जब सभी डीएमओ बाहर निकलेंगे तो बात करने की कोशिश की जाएगी कि क्या जानकारियां दी गई है या फिर किस तरह की जानकारियां हासिल की गई है। हालांकि यह भी देखा गया है इस जगह पर कि कई ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं ईडी कार्यालय जो ईडी के बुलावे पर पहुंचते हैं, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं तो अपनी जो जुबा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रखते हैं। तो बेहद एक तरह से क्या है, तो काफी हलचले आज ईडी कार्यालय के बाहर देखने को मिली है, अंदर देखने को मिली है, जहाँ डीएमओ है ईडी कार्यालय के अंदर अभिषेक झा है, ईडी कार्यालय के अंदर आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल है, ईडी कार्यालय के अंदर सीएस सुमन कुमार हैं। तमाम लोगों की भागीदारी है जो जिस तरह से रही है ये पीएमएलए एक्ट के तहत पूरे मामले को लेकर के, तो इस पूरे मामले पर इमरान हमने इस दौरान आपको बताया, इमरान के दौरान न्यूज चैनल भारत ने गढ़वा, पलामू से भी जुड़े बहुत सारे मामलों को दिखाया है कि कैसे वहां पर भी इस तरह से गड़बड़ियां हुई है, कैसे वहां पर परमिशेबल लिमिट से ज्यादा नियमों के विरुद्ध जाते हुए जो है खनन का पट्टा आवंटित किया गया है। क्या ये सूची बढ़ सकती खनन प्राधिकारियों की? देखिए बिल्कुल, डे बाय डे जिस तरह से इस पूरे मामले में अगर हम देखें पंकज, तो कई लोगों के अपडेट जो हो रहे हैं, पहले तीन लोगों की जांच की गई थी, पूजा सिंगल, एसीएस सुमन कुमार और अभिषेक झा, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो फेहरिस्त जो है वो लंबी होती जा रही है। खनन विभाग के पदाधिकारी को, डीएमओ को भी तलब किया गया है, चार जिले के डीएमओ को तलब किया गया था, कुछ पहुंचे हैं यहाँ पे, तो ऐसे में आने वाले दिनों पर कई अन्य जो डीएमओ हैं या फिर दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी नपेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि जो गड़बड़ियां हुई हैं, अगर उस गड़बड़ियां सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार जिलों के लिए गड़बड़ियों की जांच की जा रही है, ये तमाम झारखंड में जिस तरह के खनन विभाग में गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों की जांच की जा रही है, पूरा सिंगल का कनेक्शन कहीं ना कहीं पाया गया। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ाते हुए ईडी की ओर से, और ईडी की टीम कि जो अलग अलग टीमें हैं वो अलग अलग लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।